तो यार नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश सिंह एक बार फिर आप सभी का यार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्निकल फ्रेंड टेक्निकल विन मस्तमियों की। तो गाइस देखो, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक न्यू धमाका लाच को विद रेफर बाईपास के साथ। बस यार वीडियो को लास्ट तक देखना, जो लोग चैनल पर नया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और जिन लोगों ने अभी तक यार टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया ओके तो जो यार सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि गाइस जो कुछ भी अपडेट होता है जो कुछ भी होता है वो आप लोगों को सबसे पहले टेलीग्राम पर मिलता है, या जो कुछ भी पेमेंट प्रूफ प्रूफ होता है वो सब कुछ यार आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलता है। तो जो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब। मगर उस एप्लीकेशन के बारे में बताने से पहले आप लोगों को एक और बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को Money247 के बारे में बताया था, उसकी पेमेंट गाइज मुझको कल भी रिसीव हुई थी। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मुझको Money247 की तरफ से पेमेंट रिसीव हुई है। उस एप्लीकेशन के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिन लोगों ने नहीं डाउनलोड किया जाओ या डाउनलोड कर लो कि, क्योंकि वो आप लोगों को पेमेंट देती है, वो भी 2 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट आप लोगों की क्लियर कर देती है। अगर गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले लिंक काम ना करियो के तो आप लोगों को पर आ जाना और यहाँ पे सिंपल सा सर्च कर लेना है टेक्निकल फ्रेंड ओके। जैसे आप लोग यहाँ पे टेक्निकल फ्रेंड सर्च कर लेते हो ठीक है, टेक्निकल फ्रेंड सर्च करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप में मिलेंगे। मगर आप लोगों को यहाँ पे देख लीजिए 1.9 के मेंबर्स मेरे हो चुके हैं ओके। इस चैनल में आप लोगों को आके ज्वाइन हो जाना है, इसकी लिंक वैसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, अगर काम ना करें तो आप लोगों को सर्च बॉक्स में आके सर्च कर लेना है, क्योंकि जो कुछ भी अपडेट होता है जो कुछ भी होता है आप लोगों को सबसे पहले यहीं पर मिलता है ओके। तो चलो यार हम लोग बिना टाइम गवाए इस वीडियो को यार स्टार्ट करते हैं ओके। तो देखो यार आज मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ठीक है ना, उस एप्लीकेशन का आप लोगों को सबसे पहले आइकन दिखा देता हूँ, और उस एप्लीकेशन का आप लोगों का भी दिखा देता हूँ क्या कैसे ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे रेफर बाईपास भी इसका बताऊंगा ठीक है। इस एप्लीकेशन का नाम है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस एप्लीकेशन का नाम है IndieLab ओके। IndieLab एप्लीकेशन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर उसको जरूर से डाउनलोड कर लेना, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। मैं आप लोगों को इसमें बताता हूँ कि इसमें आप लोगों को साइन अप बोनस कितना मिलता है, कितना क्या मिलता है ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले IndieLab एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और आप लोगों को इसमें दिखाता हूँ इसमें मेरा कितना रुपीज़ पड़ा हुआ है। उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी रिपोर्ट भी बताऊँगा ठीक है। इस IndieLab एप्लीकेशन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर कुछ ऐसा आएगा, होम देखो होम बटन आप लोगों को सामने पे कुछ ऐसा है होम में ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे ठीक है। सेटिंग के ऑप्शन पे टैप करने के बाद ठीक है यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले प्रोफाइल जो अपडेट करनी होगी ठीक है। तो यहाँ पे चलो हम लोग ओके पर टैप करते हैं। ओके पर टैप करने के बाद यहाँ पे देखो मुझको यहाँ पे कुछ ऐसा कह रहा है ठीक है, यहाँ पे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं लेकिन उससे पहले बैक करते हैं ठीक। बैक करने के बाद यहाँ पे देखो आप लोगों को सबसे पहले अपना बैलेंस मैं दिखा देता हूँ ओके। यहाँ पे सेटिंग पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे अपना बैलेंस आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ ठीक है। यहाँ पे देख लो यहाँ पे आप लोगों को एक वॉलेट मिल जाती है, जिस वॉलेट का नाम है यहाँ पे देख लो IndieLab वॉलेट के नाम से एक वॉलेट मिल जाती है ओके। यहाँ पे आप लोगों को ओपन करके सबसे पहले दिखा देते हैं यहाँ पे मेरा कितना रुपीस पड़ा हुआ है ठीक है। तो यहाँ पे देख लो मेरा IndieLab वॉलेट में मेरा यहाँ पे 24 रुपीज़ पड़ा, यहाँ पे 0 पड़ा, यहाँ पे 0 पड़ा, यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है ठीक है। इसमें आप लोगों को अभी बताऊंगा कि आप लोग इसमें क्या करोगे, क्या रुपीज़ का यूज़ है, कैसे क्या करना है, बस आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहना ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को क्या करना होता है, यहाँ पे आप लोग अर्न करने के लिए यहाँ पे आप लोग क्या क्या कर सकते हो। देखो यहाँ पे अर्न के ऑप्शन पे अगर हम लोग जाएँ यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे देखो अर्न के ऑप्शन पे जाएँ तो यहाँ पे देख लो आप लोगों को क्या करना होता है। देखो यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे प्ले वाला 0 है, यहाँ पे मेरा देखो रेफरल का भी 0, साइन इन का मेरा यहाँ पे 24 रुपीज़ पड़ा है, इसलिए मेरा यहाँ पे करंट बैलेंस जो 24 रुपीज़ है ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को नीचे भी मिल जाते हैं बहुत सारे, यहाँ पे डाउनलोड एंड 24 INR इन फर्स्ट आफ्टर साइन इन ओके, और यहाँ पे मिल जाता है मोनिटाइजेशन नॉट एलिजिबल, और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाती है ठीक है, कुछ इस तरीके का मिल जाता है। तो गाइस अब आप लोग को इसमें मोनेटाइजेशन का क्या काम है कि आप लोग इसके बारे में थोड़ा सोचने लगोगे कि मोनेटाइजेशन का क्या काम है ओके। तो अगर मैं आप लोगों को मोनेटाइजेशन के बारे में यहाँ पे बताऊँ ठीक है, मोनेटाइजेशन के बारे में अगर बताऊँ तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग हेल्प अबाउट में ओके। तो यहाँ पे देख लो आप लोगों को मोनेटाइजेशन का काम ये कि जैसे आप लोग यूट्यूब पे वीडियो डालते हो, कई भाई जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हो ओके, उस पर आप लोगों को वीडियो डालने के बाद मोनेटाइजेशन अप्लाई करते हो आप लोग, 1,000 सब्सक्राइबर 4 घंटा होने के बाद मोनेटाइजेशन अप्लाई करते हो और उसके बाद आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट होती है ओके। तो सेम इसी तरीके से इसमें भी हो कि इसमें आप लोगों को पेज बनाने होते हैं ठीक है। पेज बनाने के बाद आप लोगों को उसमें यहाँ पे इसमें भी क्रिटेरिया है, इसमें आप लोगों को कम से कम उस पर 800 पोस्ट होनी चाहिए, 500 पेज पे लाइक होनी चाहिए और कम से कम 2000 मिनट होने चाहिए ठीक है। अगर आप लोगों की ये तीनों चीज़ें पूरी हैं ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे मोनेटाइजेशन अप्लाई कर सकते हो ठीक है। मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के बाद आप लोगों का ये मोनेटाइजेशन जो है वो आप लोगों का अप्लाई हो जाता है, उसके बाद आप लोगों का मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है और आप लोगों की इस पर ऐड आने लगती है और आप लोगों की पे अर्निंग होने लगती है ठीक है। सेम टू सेम यूट्यूब के तरीके से, और यहाँ पे आप लोगों को मगर 60 डेज मिलता है यहाँ पे ठीक है। मगर यार इन सबको हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग सीधे आते हैं आज की ट्रिक की तरफ ओके। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना, देखो आप लोगों को क्या करना है इसमें ट्रिक अप्लाई करने के लिए ठीक है। यहाँ पे देख लो ट्रिक अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को एक दिख जाता है, यहाँ पे देखो इन्वाइट फ्रेंड्स ओके। इन्वाइट फ्रेंड्स पर टैप करने से पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे और देख लेते हैं हम लोगों का पे कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। तो हम लोग अर्न वाले पे
जाएंगे, ठीक है। अर्नवाले पे जाने के बाद यहाँ पे देखो वेट करना है आप लोगों को, यहाँ पे देखो करंट में मेरा 24 पड़ा हुआ, यहाँ पे देख लो रेफरल का मेरा बिल्कुल 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। रेफर बाईपास करने के लिए बहुत सिंपल सा स्टेप है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे अर्न का ऑप्शन पे आप लोगों को मैंने दिखा दिया, अब आप लोगों को यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे देख लो लिख रहा है इनवाइट फ्रेंड्स, इनवाइट फ्रेंड्स पर आप लोग टैप करोगे, इनवाइट फ्रेंड पर टैप करने के बाद यहाँ पे देख लो लिखा इनवाइट योर फ्रेंड एंड अर्न 5 रुपीज फॉर ईच रेफर साइन अप, ओके। तो यहाँ पे देख लो आप लोगों को पर फ्रेंड का, यहाँ पे आप लोगों को पर फ्रेंड आप लोगों का 5 रुपीज साइन अप बोनस मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो आप लोगों का रेफर कोड दिख रहा है ना, इस पर आप लोगों को टैप करके कॉपी कर लेना, ठीक है। जैसे आप लोग इसको टैप करके कॉपी कर लोगे, उसके बाद आप लोगों को इसको यहाँ पे आ जाना है, अपने टेलीग्राम पर आ जाओ या व्हाट्सएप पर आ जाओ, और आप लोगों का जो रेफर कोड होगा वो आप लोगों को शेयर कर देना, ठीक है। ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे अपना रेफर कोड निकाल दिया, ठीक है। रेफर कोड निकाल देने के बाद हम लोग बैक चलते हैं, ठीक है। बैक चलने के बाद हम लोग ऊपर बैक पर क्लिक करेंगे, बैक पर चलने के बाद हम लोग यहाँ पे अर्न वाले ऑप्शन पर जाएंगे। अर्न वाले ऑप्शन पर जाने के बाद एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ मेरे यहाँ पे कितना बैलेंस पड़ता है। देख लो मेरा यहाँ पे 24 रुपीज पड़ा हुआ, और यहाँ पे देख लो मेरा रेफरल का बिल्कुल 0 रुपीज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इन बैलेंस का यूज क्या है वो भी बताऊंगा, बस यार वीडियो पे लास्ट तक रहना, चैनल पे नए हो तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी लूट आप लोगों को सिर्फ टेक्निकल फ्रेंड ही दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे इसको बैकग्राउंड से हटा देना है, ठीक है। बैकग्राउंड से हटा देने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों का जो एरोप्लेन मोड है उसको सबसे पहले ऑन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैं एरोप्लेन मोड जिसको मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। ऑन कर लेने के बाद आप लोगों को एक और एप्लीकेशन यहाँ चाहिए होगी, उसको आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस देखो आप लोगों को रेफर बाईपास करने के लिए जिस एप्लीकेशन की यहाँ पे एक और एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उस एप्लीकेशन का नाम आप लोगों को अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो उस एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, उस एप्लीकेशन का नाम है सुपर क्लोन, ठीक है। ये सुपर क्लोन एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से भी सिंपल सा डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वहीं से आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा एरोप्लेन मोड अभी भी ऑन है, ठीक है। तो अब हम लोग उसको सिंपल सा ओपन करते हैं और आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से आप लोगों को रेफर बाईपास करना है और आप लोग उस रुपीज का क्या यूज करोगे और कैसे आप लोगों को अपने पेटीएम में लेना है सब कुछ बताऊंगा, बस यार वीडियो को लास्ट तक देखो, ओके। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम ओपन करोगे यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, इस पर हम लोग टैप करेंगे और यहाँ पे इंडी, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इंडी लेफ्ट स्लाइट एप्लीकेशन, ओके। इस एप्लीकेशन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो परमिशन कहेगा तो ओके पर हम लोग टैप करेंगे, ठीक है। परमिशन को यहाँ पे अलाउ कर देंगे हम लोग, देखो अलाउ कर देंगे बाद हम लोगों को यहाँ पे स्टार्ट पर टैप कर देना, ठीक है। स्टार्ट पर टैप करने के बाद यहाँ से आप लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी है समझ लो, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ लो आप लोग अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे देखो अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों का एरोप्लेन मोड जो उसको यहाँ पे ऑन कर देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऑफ कर देना आप लोगों का आपका एरोप्लेन मोड, ओके। जैसे आप लोग उसको एरोप्लेन मोड अपना ऑफ कर दोगे, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, फिर से यहाँ पे एक बार बैक आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे बैक आ जाने के बाद यहाँ पे देखो जैसे मैं यहाँ पे इसको हटा दूंगा बैकग्राउंड से, फिर से यहाँ पे बैक आ जाऊंगा सुपर क्लोन में और फिर से उसको रीओपन करूंगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को एरोप्लेन मोड यहाँ पे ऑन करने ऑफ करने के बाद फिर से आप लोगों को बैक करके फिर से यहाँ पे आना, ठीक है। यहीं से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ लो। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले अलाउ करने को कहेगा, अलाउ पर टैप कर देना, ठीक है। अलाउ कर देने के बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे लोडिंग होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। लोडिंग हो जाने के बाद यहाँ से देखो गेट स्टार्ट का ऑप्शन दिखेगा, गेट स्टार्ट पे आप लोग जैसे टैप कर देखो, ठीक है। जैसे गेट स्टार्ट पे टैप करोगे आप लोगों को यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने को कहेगा, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज आप लोगों को मिल जाती है लेकिन मैं इंग्लिश सेलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट पर टैप करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पर टैप करने के बाद यहाँ पे देखो आप लोगों को परमिशन देने को कहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे परमिशन के लिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पर टैप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपसे कहेगा सेट पैटर्न, ओके। अगर आप लोग पैटर्न सेट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन स्किप पर आप मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझसे कहेगा कि यूजर डालिए या फिर मोबाइल नंबर डालिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक यूजर नेम डाल देना, ठीक है। यूजर नेम डाल सकते हो या फिर आप लोग यहाँ पे मत डालो कि आप लोग डायरेक्ट पे साइन अप पे क्लिक कर दो, ठीक है। आप लोगों का सीधे साइन अप पर ही टाइप कर देना है, ठीक है। साइन अप पर टाइप करने के बाद यहाँ पे देखो दिख रहा है रेफरल कोड, ओके। रेफरल कोड पे आप लोगों को टाइप कर देना, रेफरल कोड पर टाइप करने के बाद यहाँ पे देखो टाइप का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। टाइप के ऑप्शन पर हम लोग टाइप करते हैं, ठीक है। टाइप के ऑप्शन टाइप करने के बाद यहाँ पे हम लोग चलेंगे यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने अपना रेफरल कोड या शेयर किया था, ठीक है। मैं जहाँ पे चलो यहाँ पे चलता हूँ और ये देखो मैंने यहाँ पे अपना रेफरल कोड मेन आईडी का शेयर किया था, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। देखो फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग जब यहाँ पे मेन अकाउंट बनाना तो आप लोगों को मेरा रेफर कोड डाल देना, जिससे आप लोगों को यहाँ पे 24 रुपीज़ यहाँ पे साइन अप बोनस मिल जाएगा 24 रुपीज़, ओके। वरना आप लोगों को यहाँ पे 0 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, अगर आप लोग मेरा रेफर कोड डाल दोगे, रेफर कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर मेरा रेफर कोड मस्ट बाई मस्ट डाल देना, जिससे आप लोगों को साइन अप बोनस जो है वो यहाँ पे 24 रुपीज़ यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप मेरा रेफर कोड डालोगे तो आप लोगों को साइन अप बोनस 24 रुपीज़ मिल जाएगा, इसका भी मैं आप लोगों को प्रूफ भी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं अपने मेन आईडी का रेफर कोड डाल दिया, लेकिन जब आप लोग फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाना है तो मेरा रेफर कोड डाल देना, जिससे आप लोगों को साइन अप बोनस यहाँ पे 24 रुपीज़ मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे चलो हम लोग ओके पर टैप करते हैं, ओके पर टैप करने के बाद यहाँ से मुझसे कहेगा मोबाइल नंबर डालने को, ओके। मोबाइल नंबर में आप लोगों को एक न्यू मोबाइल नंबर डाल देना, ठीक है, जो आप लोगों ने यहाँ पे कभी बनाया ना, उसके बाद आप लोगों को कंटिन्यू पर टैप करना, ठीक है। जैसे आप लोग कंटिन्यू पर टैप करोगे आप लोगों के नंबर पर यहाँ पे एक ओटीपी भेज दिया जाएगा, आप लोगों को वेट करना जब तक आप लोगों का यार
ओटीपी नहीं आता। ठीक है, तो चलो मैं वेट कर लेता हूँ जब तक मेरा ओटीपी नहीं आता। तो यहाँ पे बूमगज देखो मेरा यहाँ पे ओटीपी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं फटाफट यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे ओटीपी डाल दूंगा। ठीक है, ओटीपी डाल देकर यहाँ पे मुझसे फर्स्ट नेम पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एक न्यू फर्स्ट नेम डाल देना। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम में अमन डाल देता हूँ। ठीक है, अमन डाल दे, उसका नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सरनेम कहेगा। ठीक है, आप लोगों को सरनेम डाल देना, उसके यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पर टाइप करना। यहाँ पे मेल फीमेल, आप लोगों ने अगर गर्ल का नेम डाला तो मेल फीमेल सेलेक्ट करना, अगर बॉय का नेम डाला है तो यहाँ पे मेल सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे मैंने बॉय का डाला था, मेल सेलेक्ट करूँगा। फिर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को हमेशा 18 साल के ऊपर ही चूज़ करना है। ठीक है, 18 साल के ऊपर ही चूज़ करना है या फिर 18 साल। मैंने जैसे 2001 सेलेक्ट किया, उसके टाइप पे मार्च सेलेक्ट किया और यहाँ पे 8 तारीख सेलेक्ट कर ली। ठीक है, कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसका यूज़र नेम कहेगा। ठीक है, यूज़र नेम में आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे जो आप लोगों का नाम होगा वो डाल देना और प्लस यहाँ पे आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे नंबर भी डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने डाले, उसका हम लोग नेक्स्ट पर टाइप करते हैं। नेक्स्ट पर टाइप करने के बाद मुझसे यहाँ पे पासवर्ड डालने को कहेगा। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, जो को मैंने उसी का नाम ही पासवर्ड डाल दिया, उसका हम लोग नेक्स्ट पर टाइप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर टाइप करने के बाद यहाँ पे देखो वेलकम बताएगा। ठीक है, वेलकम करने के बाद यहाँ पे हम लोग अगर सेटिंग पे चले, ठीक है, सेटिंग पे चलने के बाद यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे रेफर कोड डाला, इसका मुझका पे प्रॉफिट क्या होगा। देखो मैंने यहाँ पे रेफर कोड डाला। ठीक है, रेफर कोड डालने के बाद आप लोगों को प्रॉफिट बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम लोग नीचे चले यहाँ पे, अगर हम लोग अर्न पर टाइप करें, ठीक है, अर्न पर टाइप करने के बाद देखो मैंने यहाँ पे रेफर कोड डाला, जिसका मुझका पे फायदा क्या हुआ। तो आप लोग भी मेन आईडी बनाना तो मेरा रेफर कोड डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने रेफर कोड डाला, इसलिए मुझका पे 24 रुपीज़ मिले। ओके, अगर आप लोग मेरा रेफर कोड डाल दोगे फर्स्ट टाइम जब अकाउंट बनाओगे, अपना मेन अकाउंट बनाओगे, तो आप लोगों को भी 24 रुपीज़ यहाँ पे साइनअप बोनस सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लोगों को सब कुछ हटा देना है बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड से हटा देने के बाद आप लोगों को फिर से एक बार फ्लाइट मोड ऑन कर लेना है। ठीक है, फ्लाइट मोड ऑन करने कर लेने के बाद आप लोगों को फिर से यहाँ पे फ्लाइट मोड जो उसको ऑफ कर देना है। फ्लाइट मोड ऑफ कर दोगे, अब हम लोग चलते हैं अपने मेन अकाउंट में और देखते हैं यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे रेफर बाईपास हुआ है या फिर नहीं हुआ, हमको यहाँ पे 5 रुपीज़ का बोनस मिला या फिर नहीं मिला रेफर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको ओपन होने देता है, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे मुझको 5 रुपीज़ मिले या फिर नहीं मिले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, वेट करने के बाद यहाँ पे देखो आप लोगों के पास साइड में यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। ओके, सेटिंग पर हम लोग यार सिंपल सा टैप कर देते। ठीक है, सेटिंग ऑप्शन पर टैप करने के बाद कभी कभी ये देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास एप्लीकेशन पूरी तरीके से ओपन नहीं होता, तो आप लोगों को फिर से बैकग्राउंड से हटा देना और फिर से आप लोगों को इसको एक बार रीओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे कभी कभार आप लोगों का दिक्कत आ जाता है, मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था कि इसमें सर्वर की दिक्कत कभी कभार आती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को सर्वर की कोई चिंता नहीं करनी। तो यहाँ पे देखो फाइनली मेरे यहाँ पे सही हो चुका है, तो हम लोग सेटिंग पर टाइप करते हैं। ठीक है, सेटिंग पर टाइप करने के बाद देखो आप लोगों सामने ऐसा है, आप लोगों को कैंसिल कर देना है। ठीक है, कैंसिल कर देने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे चले, यहाँ पे देखिए ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे अर्न पर टाइप करें। ठीक है, अर्न पर टाइप करने के बाद आप लोग यहाँ पे वेट करना है। ठीक है, अर्न पर टाइप करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखिए आ चुके हैं। तो बूम गाइस देखो यहाँ पे मुझको 5 रुपीज़ का यार रेफर का मिल चुका है। यहाँ पे देखो मेरा एक रेफर भी हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे देखो मेरे यहाँ पे 5 रुपीज़ मिले, यहाँ पे 24 रुपीज़ थे और यहाँ पे 29 रुपीज़ हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कट पर टाइप करें। कट पर टाइप करने के बाद यहाँ पे अगर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ, ऊपर आया करें। ओके, और यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ जो बहुत जरूरी। यहाँ पे देखो हम लोग फ्रेंड लिस्ट पर आकर क्लिक करें। ठीक है, फ्रेंड लिस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का रेफर का नहीं दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अच्छे समझ गए होगे। ओके, और अगर हम लोग यहाँ पे चले यहाँ पे इंडो लाइव वॉलेट में होकर, तो यहाँ पे आप लोग अगर आओगे, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद देखो यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे यहाँ पे 29 रुपीज़ पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग मेरा यहाँ पे 29 रुपीज़ पड़ा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को भी ऐसे अर्निंग करनी है, यहाँ पे अर्न पर क्लिक करोगे। ओके, आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो मेरे यहाँ पे रेफर का यहाँ पे रुपीज़ पड़ा हुआ है। ये देखो मेरे यहाँ पे रेफर का रुपीज़ जो है वो यहाँ पे मेरा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आप लोग कैसे यहाँ पे क्या करोगे। ठीक है, अब इन रुपीज़ का आप लोग इकट्ठा तो कर लोगे, मगर करोगे क्या। ठीक है, इकट्ठा करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे जो ये दिख रहा है इंडी लव्स वॉलेट, ओके, इस पर टाइप कर देना है। ठीक है, इस पर टाइप कर देने के बाद देखो आप लोगों के जब पे काफी रुपीज हो जाएंगे। ओके, मिनिमम यहाँ पे आप लोग 10 रुपीज़, ओके, मिनिमम 10 रुपीज़ आप लोगों के पास होने चाहिए। ठीक है, साइन अप बोनस को छोड़ के और 10 रुपीज़ होने चाहिए एक्स्ट्रा। ओके, या मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग 50 रुपीज़ तक यहाँ पे रेफर बाईपास कर लेना या फिर जेन्युइन रेफर कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे रिचार्ज के बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मोबाइल रिचार्ज पर अगर टैप करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मुझको मोबाइल नंबर डालने को कहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं जैसे कोई भी मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे आगे पर क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आगे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑपरेटर सेलेक्ट करने को कहेगा। ओके, तो यहाँ पे ऑपरेटर सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट करने को कहेगा, सर्कल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगर जाए यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 10 रुपीज़ अमाउंट डाल दिया, फिर यहाँ पे मैं टैप करूँगा। ठीक है, यहाँ पे टैप करने के बाद यहाँ पे देखो
यहाँ पे आप लोग इन दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को ये वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये वाला सेलेक्ट कर लेने के बाद आप लोगों के पे पेपर सिंपल सा टैप कर देना है, ठीक है। जैसे आप लोग पेपर टैप करोगे, आप लोगों का यहाँ से अमाउंट जो है वो कट जाएगा, ठीक है। अमाउंट कट जाने के बाद आप लोगों का यहाँ से रिचार्ज सक्सेसफुली यार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते आप लोगों को यहाँ पे लगभग 50 रुपीज कर लेने, 50 रुपीज कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो रुपीज है वो यहाँ पे आप लोग मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, डाटा कार्ड, चैरिटी, यहाँ पे लैंडलाइन बिल्स, पे सेंड या गैस, इलेक्ट्रिसिटी, शॉप, होटल, इन सब में आप लोग इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे से वीडियो को समझ गए होगे। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हुई हो तो आप लोग टेलीग्राम पर मुझसे आगे पूछ सकते हो। तो गाइस हम लोग मिलते हैं न्यू वीडियो में एक न्यू रेफर बाईपास ट्रिक के साथ। इस रेफर बाईपास को फिर से यूज करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पे आ जाना है, फिर से ऐप इन्फो में इसके चले जाना है, ठीक है। ऐप इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, यार सॉरी गाइस यहाँ पे मैं परमिशन में आ गया, आप लोगों को यहाँ पे एक दिखेगा ऑप्शन यहाँ पे देखो स्टोरेज का, ठीक है। स्टोरेज का ऑप्शन पर यहाँ पे क्लियर डाटा कर देना है, क्लियर डाटा कर दोगे, ठीक है। क्लियर डाटा करने के बाद फिर से आप लोगों को यहाँ पे एक क्लोन बना लेना है, क्लोन बना लेने के बाद एक बार न्यू नंबर से फिर से साइन अप कर लेना, और फिर से आप लोगों का अपना मेन आईडी का रेफर कोड डाल देना है, जिससे आप लोगों को यहाँ पे फिर से यहाँ पे 5 रुपीज मिल जाएगा। ऐसे करते करते लगभग आप लोगों को 50 रुपीज आप लोगों का पे कर लेने, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे काम हो जाएगा बस, ओके। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से समझ गए। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज आकर मुझसे टेलीग्राम पर पूछ लेना। तो गाइस हम लोग मिलते हैं न्यू वीडियो में एक न्यू रेफर पेपर ट्रिक के साथ, तब तक क्लियर, गुड बाय।